आई एम प्रिया। आज हम करेंगे 11th क्लास के हॉर्नबिल का पोयम जिसका नाम है फादर टू सन। इसको लिखा है एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। इस पोयम में ये कहा गया है, मैं आज आपको इस पोयम का समरी बताऊंगी जो इस पोयम के अंडर में है। इसमें ये कहा गया है कि पिता होता है और बेटा, वो कह रहा है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पाए। ऐसा लगता है एक घर में रहने के बावजूद वो अलग अलग है, एक घर में रहने के बावजूद वो अजनबी की तरह बातें करते हैं, अजनबी की तरह बिहेव करते हैं। इस टाइप से जैसे कोई अजनबी किसी से मिलता है, फिर उसे जब वो फर्स्ट टाइम जैसे रिएक्ट होता है उसका, उस टाइप से वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। और फिर वो कहता है कि ना जाने वो बचपन कहाँ चला गया जिसपे मैंने अपना हर चीज लुटा दिया। वो पिता कह रहे कि ना जाने वो बचपन कहाँ चला गया जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया, उसके बचपन पे उसके फजूल के खर्चे, जो फजूल खर्चे करवाता था हर चीज, वो ना जाने कहाँ खो गया जिसपे उसने अपना हर चीज लुटा दिया सिर्फ अपने बेटे के लिए, सिर्फ अपने बच्चे के लिए। और आगे आगे जैसे जैसे ये आगे समय बीत रहा है वैसे वैसे दूरी होती जा रही है। जैसे लोग अपने से दूर होते हैं ना, उसी तरह से इस चैप्टर में बोला गया है कि वो पिता और बेटा एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, एक घर में रहने के बावजूद अजनबी की तरह बिहेव करते हैं, अजनबी जैसे हम जानते ही नहीं है। और फिर एक वर्ड अगर जरूरत पड़ा तो हम बात कर लिए, बाकी नहीं पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं किया। फिर क्या हुआ, लेकिन वो ये कहना चाहता, लेकिन मैं उससे बांटना नहीं चाहता किसी के साथ जो वो अपना अलग घर बसा के और अलग रह ले, मुझसे दूर हो जाए। वो जिसके लिए मैंने अपना हर चीज लुटा दिया, उसके बचपन पे इतना प्यार दिया, उसे इतना हर चीज किया, मैं उसे किसी के साथ बांट नहीं सकता कि वो अलग जाके अपना घर बसा ले और अलग रहे। वो वापस आएगा, अगर वो वापस आ गया, जब जैसे कि वो बचपन में था वो अपने पिता से घुल मिल के रहता था, बचपन में अच्छे से रहता था, वैसा अगर वो वापस आ जाए तो फिजूल के खर्चे भी उठा लेंगे वो और उसकी सारी गलतियों को भी माफ कर देंगे, वापस अच्छे से आके रह ले। तो इसमें बताया गया है उनके बीच की दूरी, वो एक दूसरे से दूर कैसे हैं। पता है इतना के बावजूद इसमें कहा गया कि राइटर ने अपने बेटे को गलती नहीं दिया, उनके बीच इतनी दूरी थी, वो इस बदलती हुई पीढ़ी को, इस बदलते हुए वक्त को उन्होंने दोष दिया। ये वक्त ही कुछ ऐसा है, ये दूरी, ये पीढ़ी ही कुछ ऐसी है कि अब किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं होता, अपने घर अलग बसा के चले जाते हैं। जैसे आजकल के जमाने में होता है कि बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, बेटे वो शादी करके अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग रहते हैं और पेरेंट्स को अलग छोड़ देते हैं। तो वही उसके पिता कह रहे हैं कि लेकिन मैं इसको बांट नहीं सकता किसी के साथ, ये वापस आ जाए और वापस अच्छे से रहे। एक दूसरे को माफ करने के लिए खाली हाथ आगे बढ़ते हैं लेकिन दूरी जो होता है वो दूरी कभी बदलता नहीं, कभी भी निकटतम में नहीं बदलता, ये दूरी रहते हैं। इसको इन्होंने पीढ़ी, बदलती हुई सेंचुरी, बदलते हुए वक्त को इन्होंने दोष दिया है कि ये वक्त ही कुछ ऐसा है कि सब अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, अपना अलग दुनिया बसा लेते हैं, अपना अलग घर बसा लेते हैं और अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, जो उन्होंने उसे ही जन्म दिया उसे ही वो भूल जाते हैं। तो यही उन्होंने पीढ़ी को इसीलिए दोष दिया है। इस पोयम में यही कहा गया, इस पोयम की समरी यही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो सो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।